जिम्बाब्वे क्रिकेट की तरफ से आया है एक नया मॉडर्न डे ग्रेट। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर रजा की। जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन करा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं जिम्बाब्वे में और नीदरलैंड्स के खिलाफ 54 बॉल्स के अंदर 102 रन की शानदार पारी खेल के दिखाई है सिकंदर रजा ने, और ये किसी भी जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के लिए सबसे तेज शतक है। कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ दो दिन पहले 18 जून को शॉन विलियम्स ने भी फास्टेस्ट ओडीआई 100 फॉर जिम्बाब्वे लगाई थी, लेकिन मात्र दो दिन चला उनका रिकॉर्ड। सिकंदर रजा ने उनका रिकॉर्ड दो दिन के अंदर ही चूर चूर कर दिया। हम बात करें कि सिकंदर रजा चेस करते हुए कितनी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 135 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, फिर 117 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी 115 रन बनाए थे और अब नीदरलैंड्स के खिलाफ भी 102 रन की शानदार पारी खेली है। इसी मैच के अंदर उन्होंने गेंद से 4 विकेट भी चटकाई और इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बन चुके हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बात भी कही कि वी हैव प्रॉमिस्ड आवर पीपल अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशल। जिम्बाब्वे क्रिकेट बहुत टाइम से अपने डाउनफॉल पर है और सिकंदर रजा जैसा खिलाड़ी ही उसे ऊपर ला सकता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं जिम्बाब्वे को एंड वो 2 में से 2 मैच जीत चुके हैं, तो ये बात लगभग तय है कि वो वर्ल्ड कप में नजर आने वाले हैं। तो सिकंदर रजा की अगर ये फॉर्म चलती रही तो इंडिया के अंदर खेले जाने वर्ल्ड कप में भी ये एक बड़े खिलाड़ी बन के सामने आ सकते हैं। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्रिकेट एडिक्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।